मैम स्क्रीन शेयर हो गई मैम? जी बिल्कुल, आई कैन सी योर स्क्रीन, यू कैन स्टार्ट नाउ प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सफदर रफीक एंड टुडे आई एम हेयर टू गिव द प्रेजेंटेशन ऑफ माय SGP-1 व्हिच इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। एंड जो मेरे ग्रुप पार्टनर्स हैं, जो जिनके साथ मिलके हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनमें मोहम्मद जुबैद तनोली और हसन यासीन है, और जो एडवाइज़र है वो मैम फराज साबिर, और जो हमारा को एडवाइज़र है वो मैम। बेसिकली इन दिस प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट स्लाइड वी आर जो बताना चाहेंगे एंड जो कि लिटरेचर रिव्यू देना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज अवर लिटरेचर रिव्यू इन दिस स्लाइड। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वॉट इज द विंड एनर्जी एंड वाई डू यू चूज दिस प्रोजेक्ट एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द विंड टर्बाइन। बेसिकली विंड एनर्जी इज अ प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड बाई यूजिंग द विंड और एयर फ्लो बाई यूजिंग द विंड एंड एयर फ्लो। दिस इज द मॉडर्न वे मॉडर्न वे इज टू कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द विंड एंड सिंपली जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। यानी बेसिकली हम जो विंड एनर्जी से यानी जो विंड आ रही होती है उससे हम ब्लेड्स को रोटेट करके और अपनी विंड सदर, के कैन यू बी अ जरिए। बिट लाउड प्लीज, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली। ओके मैम, इट्स क्लियर नाउ मैम? यस इट्स ओके। सही है। The second step, the second part is that why we choose this project. As we know that nowadays Pakistan is facing a problem of power generation due to increase in the power needs and the current generation due to यानी जो हमारी ज़रूरियात हैं वो आजकल पावर की, यानी हर घर में AC वगैरह चल रहे हैं, तो अब जो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास ग्रिड स्टेशन वगैरह में जो जनरेट हो रही है वो इस काबिल नहीं है कि यानी इतनी स्टेबल में यानी इतनी तादाद में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके इसके अलावा जो अब और जो ग्रिड में जो बिजली जनरेट हो रही है वो काफ़ी एफिशिएंट है, यानी काफ़ी कॉस्टली है, वो एक्सपेंसिव होती है। जो हमने विंड टरबाइन जो है वो एफिशिएंट डिवाइस है, यानी जिसके ज़रिए से हम जो जो लो कॉस्ट डिवाइस है जिसमें से हम अपनी जो विंड की जो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत है वो विंड के जरिए से हम लोग अपनी पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को चूज़ किया बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द कंट्री टू मूव टूवर्ड द ग्रीन एनर्जी। यानी जो अब पहले कोयले से बिजली जनरेट होती थी जिससे पोल्यूशन पोल्यूशन वगैरह होता था, तो इस वजह से अब इस हमने जो है ना विंड टर्बाइन को यूज़ किया है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है यानी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यानी इसमें हमारे विंड की जो है वो कितने विंड यानी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी हाइट वगैरह, उसको अब डिस्क्राइब करने के लिए अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हसन यासीन जो है वो बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड हसन यासीन। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पैनल। द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीन डिवाइडेड मेनली इनटू थ्री पार्ट्स, द ब्लेड स्पेसिफिकेशन, द जनरेटर स्पेसिफिकेशन एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द विंड टरबाइन। Now we are taking the height of the wind turbine prox of 2 meter with the length of the blades would be 1 meter. Now the results of the blade specification as shown on the slide are the results conducted from a Q-blade named software in which it the blades and the hub of the soft of the wind turbine is been designed. The power would be 0.012 kilowatt while the power efficiency would be 0.0413. The velocity of the air at hub would be 4.47 meter per second as it is commonly used. Next. Now talking about the generator specification, we are choosing a car generator that is a permanent magnet DC generator. The power would be 600 watt or we can say 50 ampere and 12 watt, while the speed which is required for this wind turbine to work would be 1400 rpm and it will be provided from the generator. Next. Now the technical specification of the circuit would be described by Zubair Tanoli.
expected is first one target is circuit specification. Sorry, Zubair, your voice is not clear to me. जी मैं सब चेक कर रहे हैं. इट्स ओके मैम. हेलो हेलो. जी इट्स ओके नाउ. थैंक यू. हेलो. मैं अब आपको सुन सकती हूं बिलाल. टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सर्किट स्पेसिफिकेशन फर्स्ट ऑफ फर्स्टली वी यूज बूस्ट कन्वर्टर फॉर द बूस्ट अप ऑफ आवर आउटपुट आफ्टर द बैटरी व्हिच इज 12 वोल्ट एंड देन वी यूज दैट सर्किट बाय द हेल्प ऑफ दैट सर्किट वी बूस्ट आवर आउटपुट from 10 volt DC to DC. After that we use sine wave inverter by which we convert our DC output into AC because we required AC output for our home appliances. Next, tool usage. We basically use two types of tool in our project. The first one is CubeLaid software. In CubeLaid we make designs of our blades thickness and width and all that related things to our blades and design description and the measurements of blades. After that we use Proteus and Proteus for the boost converter and sine wave inverter. So it is necessary for a good and official engineer that starting in every new project in industry. We have to check and test our idea on the software which is such as Proteus, MATLAB and that types of. Yes, Abdur, over to you. Can you please just show me the slides one by one and I will ask the relevant questions to you. Okay, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा. Can you go back to the title? Title पे वापस जाएं. Yes. Please tell me why horizontal axis wind turbine? Why not a vertical axis wind turbine? Though vertical axis has many advantages over a horizontal axis wind turbine. So आपने vertical axis क्यों choose नहीं किया? मैम vertical axis में जो है ना वो यानी अब जो हवा जो है वो ऊपर टॉप पे जो हवा हमारी ज्यादा होती है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो हमने जो वर्टिकल एक्सिस जो इतना एफिशिएंट नहीं होता जितना हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन इतना एफिशिएंट हो सकता है. व्हाट आई कैन सी इज अ वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जनरली फंक्शंस बेटर देन अ हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन. जब आपके पास गस्टी एयर्स होती है या हार्वेस्ट गस्टी विंड्स होती हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जो है वो फिजिबली वर्क नहीं करता. तब हमें वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन चाहिए होता है और इसका गियर भी जो होता है वो कॉन्वेंशनली इजियर होता है गियर बॉक्स. मतलब ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वाइज भी वर्टिकल एक्सिस इज इजियर. तो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्यों चूज किया? हैवी विंड्स के अंदर जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस एफिशिएंटली वर्क नहीं करता. आपने रिसर्च पढ़े इसके रिसर्च पेपर्स पढ़े इससे रिलेटेड आपने? यस मैम. वर्टिकल एक्सिस यानी जो पाकिस्तान में जो है वो वर्टिकल एक्सिस को इतना वो नहीं किया जाता लेकिन हॉरिजॉन्टल को किया जाता है. अब जैसे अब यहाँ पे बनाया नूरियाबाद पे भी इन्होंने वर्टिकल एक्सिस को इतना वो नहीं किया हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही इन्होंने नहीं उसके ज्यादा काम किया क्योंकि विंड के हिसाब से उसके रीजंस हैं. किन सिचुएशंस में आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को प्रेफर करते हैं किन सिचुएशंस में आप वर्टिकल एक्सिस को प्रेफर करते हैं पहले आप मुझे ये बताइए. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू? मैम इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये मैक्सिमम विंड एनर्जी जो है वो कैप्चर कर सकते हैं और इसका ये भी फायदा कि हॉरिजॉन्टल जो है वो जो हैवी स्टोन्स होते हैं उससे भी उसके ब्लेड जो है वो उससे हैवी स्टोन्स अवॉइड करने के लिए ब्लेड को भी एडजस्ट किया जा सकता है. लेकिन आई हैव हर्ड जहां तक मेरी नॉलेज है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जो है वो एक्सेलरेटेड फटीग क्रिएट करता है. डू यू नो व्हाट इज एक्सेलरेटेड फटीग? नो मैम नो आईडिया. No idea?
Okay, so can you tell me how come an horizontal axis wind turbine is way better than a vertical axis wind turbine in terms of construction or working? Okay, as long as I can see a vertical axis is more preferable. लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को प्रेफर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन विल वर्क बेटर? ओके फाइन, चलें आगे बढ़ते हैं. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे आप. वो एरियाज जो आप नूरियाबाद की बात कर रहे हैं ना, तो वो एरियाज जहाँ पर गस्ती विंड्स नहीं होती, हैवी विंड्स नहीं होती, वहां पर हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कराची में इस तरह तेज विंड तो होती नहीं है और कराची से जो सिंध के एरियाज हैं वहाँ पे इतनी हैवी विंड तो नहीं होती. इस वजह से हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट बाय वर्किंग एंड बाय स्ट्रक्चर बाय फीजिबिलिटी वर्टिकल एक्सिस इज मोर प्रेफरेबल. तो वो एरियाज जहाँ हैवी विंड्स चलती हैं, जिन्हें हम गस्ती विंड्स कहते हैं, वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि हम वर्टिकल एक्सिस को इंस्टॉल करें. सो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस. हाउएवर बाय मेंटेनेंस वाइज भी जो गियर होता है वो वर्टिकल एक्सिस का काफी कन्वीनियंट होता है. बहरहाल नेक्स्ट आप ये कह रहे हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा प्लीज, जहाँ पे आपने कन्वर्टर्स और इन्वर्टर्स को डिफाइन किया था. आपका रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है वो नहीं है. ओके, सो बूस्ट कन्वर्टर, व्हाई आर यू यूजिंग अ बूस्ट कन्वर्टर फॉर दिस पर्पस? बूस्ट कन्वर्टर इज अ लीनियर कन्वर्टर और अ नॉन लीनियर कन्वर्टर? इट इज अ नॉन लीनियर मैम. व्हाई इट इज अ नॉन लीनियर कन्वर्टर? How can you say it is a non-linear converter? Sorry ma'am, repeat kijiyega ma'am. It's okay. How can you say that boost converter is a non-linear converter? What makes it a non-linear converter? Ma'am, क्योंकि इसमें जो basically जो इसमें circuit बनाया था हमने, वो जो हमने boost converter वगैरह पढ़ाया उसमें ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम को यानी वो कर रहे होते थे मैम, जिसकी ऑन टाइम की पावर वगैरह यानी. अच्छा मुझे ये बताइएगा, व्हिच कन्वर्टर इज अ लीनियर कन्वर्टर? लीनियर कन्वर्टर कौन सा होता है? आपने पढ़े हैं लीनियर कन्वर्टर? यस मैम, पावर में पढ़े हुए थे ना. जी जी, कौन सा? अच्छा पढ़े थे. कौन सा कन्वर्टर पढ़ा था जो लीनियर था? बक बूस्ट पढ़ा मैं. बक बूस्ट मैम. बक बूस्ट इज अ लीनियर कन्वर्टर. अच्छा मैम, बक इज अ लीनियर कन्वर्टर. लीनियरिटी क्या होती है? व्हाट इज लीनियरिटी? लीनियरिटी मैम मुझे इसका स्लोप वगैरह यानी करंट की इक्वेशंस वगैरह से जो इसकी बन रही होती है कि ये आउटपुट पे आपका क्या बन रहा है और ये आउटपुट यानी इनपुट के ऊपर आपका आउटपुट क्या आ रहा है मैम, उस हिसाब से करंट की जो इक्वेशंस है. बाय डेफिनेशन व्हाट इज लीनियरिटी? लीनियर सिस्टम्स कौन से सिस्टम्स होते हैं? कैन यू डिफाइन दैट? No? मैम लीनियर सिस्टम्स जो ओके, लीनियर सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें इनपुट और आउटपुट वो लीनियर चेंज होता है. व्हाटएवर चेंजेस कम लाइक सेट आउटपुट. सो व्हाट डू यू थिंक व्हिच कन्वर्टर को आउटपुट इनपुट आउटपुट रिलेशन को देखें तो कौन सा कन्वर्टर लीनियर होगा? Buck converter is a linear converter, isn't it? V naught is equals to VGD. Linear converter होगा buck converter? मैम repeat कीजिएगा मैम. Y is equals to mx is a linear equation. ऐसा ही है ना? Output y is equal to m slope and x is a linear equation. So yes ma'am. Output is equals to VG input and d is the slope is a linear equation. So buck is a linear converter. Yes ma'am. It is not a linear converter, it's a non-linear converter. Okay. So what are the purpose? आपने boost converter क्यों use किया? क्या फायदा है इसका? मैम बूस्ट कन्वर्टर अब क्योंकि आउटपुट पे जो बैटरी से जो वोल्टेजेस आएंगे हमारे पास वो 12 वोल्ट्स वगैरह यानी 12 वोल्ट्स होंगे. बेसिकली जो सर्किट होगा हमारे पास जो जनरेटर से हमारे पास जनरेट होगी वो डायरेक्टली तो हम यानी उसको बूस्ट नहीं कर सकते ना, उससे पहले हम बैटरी में उसको स्टोर करके स्टोर करने के बाद हम उसको फिर बूस्ट अप करके और फिर जो है अपने एसी डिजाइनिंग यानी एसी टू डीसी डीसी टू एसी करेंगे, जिसके लिए हमें पहले बूस्ट करना जरूरी पड़ेगा क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी. व्हाई डू वी नीड टू बूस्ट? And not only सिर्फ boost converter ही तो boost नहीं करता ना, buck boost भी कर सकता है, cook converter भी कर सकता है, choke converter,
सेपिक भी कर सकता है, जीटा भी कर सकता है, तो आपने बूस्ट को चूज किया? मैम हमें ये इसकी नॉलेज ज्यादा थी अकॉर्डिंग टू पावर में जिस तरह पढ़ा, तो फिर हमने इसी को चूज किया। आपको इसकी नॉलेज ज्यादा है? मतलब मैम इसको हमने सही पढ़ा था इसलिए। तो आपने ये किया है कि यू विल यूज अ बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है, एन अ साइन वेव इन्वर्टर, ऐसा ही है? यस मैम। इन्वर्टर इज दिस, हाउ डज दिस इन्वर्टर विल वर्क? साइन वेव? जी बिल्कुल। वैसे मैं आपको बताऊं, इन्वर्टर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है आपने। सॉरी आई कैन नॉट इग्नोर दैट। इन्वर्टर में टी ई आर होता है, इट्स नॉट टी ओ आर। सेम गोज टू कन्वर्टर, इट्स टी ई आर। ओके अब बताइए आप, साइन वेव इन्वर्टर किस तरह करता है काम? साइन वेव इन्वर्टर में हम मतलब हमें अपना फाइनल आउटपुट जो है ना हॉम ब्रांचेस के लिए, तो वो एसी में चाहिए, इसलिए हम इसको साइन वेव इन्वर्टर करते हैं कि हमें आउटपुट एसी में मिल जाए। सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आई है। साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। मैम साइन वेव इन्वर्टर जो बूस्ट करने के बाद जो हमारी एसी अप्लायंसेस वगैरह को साइन वेव फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के ऊपर चलना है, क्योंकि डीसी पे पर तो जो होम अप्लायंसेस है वो डीसी के ऊपर तो काम नहीं करती, उसके लिए तो हमें एसी चाहिए होगा, तो इसलिए साइन वेव इन्वर्टर जो बनाया था हमने। वो तो ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको डीसी वोल्टेजेस को एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वर्टर की जरूरत होगी और आपने साइन वेव इन्वर्टर चूज किया है, बट व्हाई साइन वेव इन्वर्टर? मैं ये पूछूं, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ साइन वेव इन्वर्टर? जी बिकॉज मैम साइन वेव की जो स्विचिंग है, इट्स ओके, चलिए ये बताइए व्हिच काइंड ऑफ पावर डज अ प्योर साइन वेव इन्वर्टर प्रोड्यूस? साइन वेव इन्वर्टर से जो पावर प्रोड्यूस होती है वो किस तरह की होती है? मिस एक रिपल्स की फॉर्म में हमारे पास आर होता है, रिपल्स की मतलब रफली इस तरह रिपल्स, मतलब मिस स्क्वायर वेव टाइप्स की आर होती है साइन करें, लेकिन वो उसमें थोड़ी डिस्टॉर्शन होती है। ओके ये बताइए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइन वेव इन्वर्टर? मैम इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हेलो आवाज आ रही है? मैम आवाज आ रही है, कैरी ऑन ठीक है, आप आगे आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। मैटर की एडवांटेज क्या मैम, स्लाइड आगे करें? क्लियर नहीं है जी बिल्कुल। आगे तो इसकी वर्किंग वगैरह बेसिकली हम साइन वेव इन्वर्टर इसी में, यानी आप आगे बढ़ जाइए, ये वर्किंग बता दीजिए। वर्किंग मैम, वर्किंग हमारे प्रोजेक्ट की तरफ से प्रोजेक्ट की बेटा प्लीज कैन यू बी अ बिट लाउड, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। क्या बाकी सबको इनकी आवाज आ रही है? सर सजाद आपको? मैम साइन जो है वो आउटपुट मतलब ये कि प्योर के अलावा जो है वो ज्यादा बेटर वर्क करते हैं, डिवाइस वगैरह जो है वो ठीक है बेटा। ये जो वर्किंग है आपने इसमें ब्लॉक डायग्राम में, व्हाट इज दिस ड्राइव ट्रेन? ये ड्राइव ट्रेन क्या है? जैसे ये गियर बॉक्स है हमारा, ये गियर बॉक्स है आपका, तो आपने यस मैम लिखा है और ये कंट्रोलर किस चीज से इनपुट ले रहा है अपना ये बताओ, ये जो कंट्रोलर लगाया हुआ है तो। अच्छा मेरा एक सवाल जो मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा है वो ये कर रहा है कि मिस अगर आपकी इजाजत तो मैं पूछूं। प्लीज प्लीज जी जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे पास जो विंड जो आ रही जो विंड ब्लो कर रही है
वो तो जाहिर सी बात है कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड पे ब्लो नहीं कर रही, सही है। अब मेरे पास कभी विंड हल्की होती है, कभी मेरे पास विंड बहुत तेज होती है, कभी मॉडरेट सी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरे पास विंड के अंदर वेरिएशन आ रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो विंड टर्बाइन की स्पीड, जो विंड टर्बाइन जो रोटेट कर रही है उसकी आरपीएम में वेरिएशन आ रही होगी, और जब आरपीएम में वेरिएशन आ रही है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो आउटपुट वोल्टेजेस आपका जनरेटर प्रोड्यूस करेगा वो भी वेरी कर रहा होगा, सही है। मतलब जरूरी नहीं कि वो 12 वोल्ट ही दे रहा हो, कभी कम दे रहा होगा, कभी ज्यादा दे रहा होगा, तो उस वेरिएबल वोल्टेज एवरेज इनपुट। जी बोले अच्छा, मेरा सवाल ये है कि उन वेरिएबल वोल्टेजेस को किस तरीके से आप कैटर करेंगे, क्योंकि अगर वोल्टेज वेरी कर रहे हैं आपके पास सो आपके सिस्टम में कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उन वेरिएबल वोल्टेजेस को कैटर कर सके सर, आगे उनको कांस्टेंट कर सके, तो उसके लिए आपने क्या यूज किया? I think they have left again. Yes, ma'am. मैं हंसिंग इनका आप सही कह रही हैं, साथ ही बैठे हैं और इनका नेट एक साथ डिस्कनेक्ट होता है तीनों का। सर इनकी आवाज भी मुझे तो क्लियर नहीं आ रही थी बिल्कुल, क्या आप लोगों को आ रही है? बिल्कुल मैम, मुझे भी क्लियर नहीं आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। सर क्या वेट करना है और इनका थोड़ा? मैम 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर आ जाते तो ठीक है, वरना फिर ये है कि इसको एंड करते हैं फिर। बाकी सवाल तो आपने अच्छे खासे ठीक ठाक कर ली इन लोगों से, और इससे काफी चीजें जो वो रीड कर रहे हैं जी जी, वो क्लियर हो गया कि कितना उनको नॉलेज है या कितना नॉलेज नहीं है, तो वो ये तो क्लियर हो ही गया जी जी। आ गए मैम, वापस आ गए, जुबैर आ गए, जुबैर बाकी मेंबर्स को प्लीज बुला लें अपने ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सकें सवाल जवाब। सफदर भी आ गए हैं, अपने माइक्स वगैरह कनेक्ट कर दें जी जी। वो मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुझे लग रहा है आप तीनों साथ ही बैठे हैं और साथ ही नेट चाहते हैं तीनों का एक साथ। अच्छा मेरा सवाल वही था कि वेरिएबल वोल्टेजेस आपके पास आपका जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उन वेरिएबल वोल्टेजेस को किस तरीके से आप कैटर कर रहे हैं? मतलब जाहिर सी बात है जब विंड की स्पीड वेरिएशन वेरिएबल है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वेरिएबल है। अच्छा ये सवाल का जवाब दो, उसके बाद मेरे पास एक और सवाल है आप लोगों के लिए, इसका जवाब दो मुझे। ठीक है, बैटरी को अगर चार्ज करना है तो मेरी बैटरी वेरिएबल वोल्टेजेस के साथ तो चार्ज होने से रही, तो बैटरी से पहले और जनरेटर के बाद ऐसी क्या चीज लगी है जो वेरिएबल वोल्टेजेस को फिक्स वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर रही है? ये आवाज आ रही है आप सबको या नहीं आ रही? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही। मेरा ख्याल है इसको टर्मिनेट करना चाहिए आपको, या तो कोई और टाइम दे दें बिलाल। अच्छा आपको नहीं लगता इस वक्त तो कुछ भी बात नहीं हो पा रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है बहुत। बिल्कुल मैम, चले फिर इनकी वापस मैम शेड्यूल कर लेंगे फिर, यही हो सकता है इस वक्त। ठीक है मैम, चले ठीक है ठीक है, फिर इसको हम इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन को फिलहाल हम जो है वो अभी चुकी है इनकी, आपसे मैं डिस्कशनिंग कर चुके हैं, अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूं इसे जी जी। बोले मैम, बोले बोले अगर सर मजहर कहते हैं तो हम इसे रीशेड्यूल कर लेते हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल में वी कैन ग्रेट देम नाउ। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला हो रहा है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज?